नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं अलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 2025 के अंदर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कैसे दें, उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके अफिलिएट कॉलेज, उसकी फीस, और क्या ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो क्या इसका एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी के थ्रू होता है या फिर अलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, तो इन सभी चीजों का आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे देखिए मैं स्पष्ट बता दूं, जब से सीयूटी आया है उसके बाद से अभी तक यानी वर्ष 2022 के बाद से 3 बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुका है, जिसमें अलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद वो एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो खुद से ही कंडक्ट कराता है। 2024 तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि अलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना एलएलबी कोर्स के लिए वो क्या करता है, अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। वहीं अगर बीएलएलबी की बात करें तो वो सीयूटी के थ्रू ही होता है, लेकिन आज का हमारा सिलेबस जो रहने वाला वो एयू से एलएलबी करने का है। तो यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए कि अलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। अब जब सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है तो कुछ चीजें डिफरेंट भी होंगी, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे हो गया, दूसरा आपका यहां पे हो गया, ठीक। नेक्स्ट है आपका यहां पे सिलेबस और पेपर पैटर्न भी अलग होगा क्योंकि सीयूटी से बाहर है ये, तो कट ऑफ फीस और सीट यहां पे देख लेंगे, उसके अफिलिएट कॉलेज को भी देखेंगे, और हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहां पे, ये भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसके पेपर पैटर्न के बारे में, उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहां पे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन की बात समझिएगा कि अगर यहां पे अगर आपका ग्रेजुएशन या तो लास्ट ईयर है, 2025 में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, तो यहां पे एक चीज ये समझिएगा कि अगर अभी आप वर्तमान समय में अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, फिफ्थ सेमेस्टर या थर्ड ईयर के अंदर एडमिशन आपका हो गया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपका पांचवा सेमेस्टर चल रहा होगा और लास्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा पास होने वाले बच्चे भी, यानी जिनका ग्रेजुएशन यहां पे 2024 में हुआ है, उससे पहले हुआ 2023 में हुआ है, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे गैप ईयर का कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना होगा, गैप ईयर का कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहां पे गैप ईयर में डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। गैप ईयर की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है उसको हम लोग अभी समझेंगे। उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% ओवरऑल होना चाहिए, ओबीसी की बात करें 42%, एससी एसटी की बात करें 40%, और नो एज लिमिट यहां पे दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। बी एलएलबी कोर्स के अंदर यहां पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया। अब एज लिमिट न होने के कारण क्या होता है यहां पे कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और कंपटीशन अच्छा खासा हो जाता है। लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स भी है, तो यहाँ पे जो जनरल कंपटीशन है वो अच्छा खासा रहता है। अब हमने ये समझ लिया कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है, ठीक है, और ये भी देख लिया कि अगर आपका लास्ट ईयर है यानी पांचवा सेमेस्टर चल रहा है, तीसरे ईयर में अगर आप है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब गैप ईयर का मामला आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, ये बातें आपको याद रखनी होगी। जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन 2025 के अंदर होगा, ठीक है, यानी आप अभी लास्ट ईयर में इस समय हैं, तो आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, यानी कोई भी मार्क्स आपका क्या होगा, डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में अगर 2024 में हुआ है, ठीक है, अब मैं ईयर ही लिख रहा हूं, यानी 2024 में आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है और आपको परीक्षा किसमें देना होगा, यहाँ पे 2025 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यानी यहाँ पे एक साल का आपका गैप हो गया। अगर एक साल का गैप है तो जो भी आप मार्क्स पाए रहोगे उसमें से 5% कम कर दिया जाएगा। दूसरा अगर बात करें 2023 में अगर आपका हुआ है ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो यहाँ पे देखिए 2 साल का गैप हो गया ना, यानी 25 से अगर 23 देखा जाए तो 2 साल का गैप हो गया, तो यहाँ पे 10% मार्क्स आपका क्या होगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा जो भी आप मार्क्स पाए रहोगे। अगर 2022 की बात करें या फिर उससे पहले जब भी आपने किया होगा, तो यहाँ पे 3 साल का गैप हो गया, 3 साल या उससे ज्यादा अगर गैप है तो 15% मार्क्स यहाँ पे क्या होगा, कम कर दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं कैसे ये मार्क्स कम होंगे। जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, आप 100 नंबर पा गए। अब समझिएगा अगर आपका 2025 में ग्रेजुएशन हुआ है तब तो ये 100 नंबर आपको पूरे मिल गए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन 2024 में हुआ होगा तो ये मार्क्स कितना माना जाएगा, ये मार्क्स माना जाएगा यहाँ पे 95 माना जाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन 2023 में हुआ तो ये मार्क्स आपका 90 नंबर माना जाएगा, और अगर आपका ग्रेजुएशन 2022 या उससे पहले का हुआ है, ठीक है,
पहले का हुआ है तो यहाँ पे आपका वो नंबर 85 नंबर माना जाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि गैप ईयर होने की वजह से मार्क्स का कितना डिफरेंस हो जा रहा है। अगर वही 200 नंबर होता तो 200 नंबर में क्या हो जाता है, यहाँ पे समझिए आप कि 85 यानी 30 नंबर कम हो जाता है, 170 नंबर माना जाता, 30 नंबर कम कर दिया जाता, ठीक है, अगर 200 नंबर होता तो। और ओवरऑल देखा जाए 300 नंबर का पेपर होता है। तो आपको यह समझना होगा कि अगर आपका गैप ईयर है यानी आपका ग्रेजुएशन पहले ही पूरा हो चुका है तो आपको और पढ़ाई करने की जरूरत है, और मेहनत करना होगा, और अच्छा मार्क्स लाना होगा, क्योंकि आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा, 5%, 10% और मैक्सिमम 15% डिडक्शन होता है। तो आप यहां पर गैप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे, ठीक है, कि आपका ऐसे तीन स्लॉट में आपका क्या होगा, गैप ईयर का मार्क्स काटा जाता है। बाकी ये आपका ग्रेजुएशन का स्कोर बता दिया गया कितने आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो अब जिनका गैप ईयर है उनको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपको पढ़ाई और अच्छे से करनी होगी, क्योंकि अगर आपका गैप ईयर है तो मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए हमारा पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न में देखिए बोला गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 150 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए द क्वेश्चन टाइप्स जो होंगे वो एमसीक्यू में होते हैं, तो आप सभी को भली बात ही परिचित होंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 120 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। नो नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट ये है कि आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर ऑफ मीडियम जो रहने वाला, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको पेपर मिलने वाला है, तो जो आपको पेपर मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। तो जो भी बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के, तो उनको ये दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल चीजें रहेंगी तो आपको आसानी होगा। टोटल जो मार्क्स यहाँ पे दिया गया वो 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका। पेपर का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी आपको पेन पेपर पे टेस्ट देना होगा, ओएमआर शीट पे क्वेश्चंस को फिल करना होगा। एक क्वेश्चन सही करने पे 2 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन इनकरेक्ट किया तो कोई भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये ओवरऑल पेपर पैटर्न रहने वाला है जिसपे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पेपर पैटर्न हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस आता है कि पेपर पैटर्न के बाद क्या किस किस सिलेबस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर देखिए आपको 4 सेक्शंस में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला आपका जो सेक्शन रहने वाला है वो लैंग्वेज का रहने वाला है। आप लैंग्वेज में याद रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही दिया है, यानी आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा, हिंदी भी पढ़ना होगा, और यहां से लगभग 50 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, यानी 50 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से ही देखने को मिलता है। और लैंग्वेज ये मत समझिएगा कि या तो हिंदी पढ़ लेंगे या तो इंग्लिश, आपको दोनों ही भाषाएं यहाँ पे पढ़ के जानी होंगी। यहाँ से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा अगर बात करें जीके जीएस और इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आप ऐड कर लीजिएगा करंट अफेयर को भी, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जीके जीएस और करंट अफेयर से लगभग 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैथ और रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड यानी लॉ का जो सेक्शन है, लॉ के सेक्शन से भी 25 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये आपके 4 सेक्शन है जिसमें से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 4 सेक्शन का यहाँ पे वेटेज दिया गया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर अगर पीवाईक्यू की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि यहाँ पे जो लीगल एप्टीट्यूड है या फिर जीके जीएस है, ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है या फिर मैथ और रीजनिंग है, ये आप बहुत अच्छे से वहां पे स्कोरिंग कर सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर पॉलिटी के बहुत कम क्वेश्चन दिए गए, लीगल प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन दे दिए गए थे, तो यहाँ पे पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता दिखाई दे रहा है। तो हमें परेशान नहीं होना होगा, हमें सारी चीजों को कवर करके जाना होगा, ताकि अगर पैटर्न चेंज भी होता है तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को वहां पे बना पाओ, ठीक है। और लास्ट ईयर अभी भी यानी पेपर पैटर्न अगर चेंज हुआ भी है तो डीएनएस के भी बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया, वो मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, वो सीएमपी में पढ़ रहे हैं, वो अलावा डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन लेके वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखिए यहां पे हमने 4 सेक्शन को बताया कि इंग्लिश हिंदी है, जीके जीएस करंट अफेयर है, रीजनिंग एंड मैथ है, लीगल एप्टीट्यूड है। अब इसका डिटेल सिलेबस हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इंग्लिश का अगर बात करें यहां पे, तो इंग्लिश में जनरल जो टॉपिक देखने को मिलता है वो हमें मिलता है यहां पे इंग्लिश ग्रामर हो गया, ग्रामर की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश यूजेस एरर हो गया कि ए एंड द कहां लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जंबल पैरा हो गया आपका, सेंटेंस करेक्शन हो गया आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखिए यहाँ पे, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया तो 3 से 4 क्वेश्चंस तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिल जाएगा उसमें। आगे बात करते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया,
सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, इडियम और फ्रेजेस हो गया। तो ये लगभग 10 टॉपिक है जो आपके इंग्लिश सिलेबस के अंदर देखने को मिलता है। आगे हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे इसमें भी 10 टॉपिक लगभग देखने को मिलेगा। हिंदी व्याकरण हो गया आपका, शुद्ध प्रयोग अशुद्ध प्रयोग हो गया आपका, परिच्छेद का उचित क्रम हो गया यहाँ पे, वाक्य शुद्धि हो गया, वाक्य परिष्कार हो गया, पाठ बोधन हो गया, वाक्य की पूर्णता हो गया आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, समानार्थी एवं विलोम शब्द हो गया, मुहावरे एवं कहावतें हो गई। तो ये आपका जो हिंदी का सिलेबस रहने वाला लगभग इसमें भी आपको 10 टॉपिक देखने को मिलेगा। इसको भी आपको अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का जो मैंने बताया था 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और 25 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना कितना है, 10 टॉपिक लगभग पढ़ना है, ठीक है। जो मेजोरिटी क्वेश्चन होंगे लगभग 20-22 क्वेश्चन आपको इन्हीं 10 टॉपिक से कवर हो जाएंगे और आप वहां से क्वेश्चन बना ले जाओगे। हिंदी में भी सेम है, 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 टॉपिक है, तो आप इसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है। 10 टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हो और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन लाने में ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं जीके जीएस एंड करंट अफेयर भी इसमें ऐड कर लीजिएगा आप लोग, करंट अफेयर भी। तो यहाँ पे देखिए जो सिलेबस रहने वाला है, लिटरेचर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपका एंशियंट मेडिवल मॉडर्न आ जाएगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ये आपका जीके जीएस में भी आता है और ये आपका अलग से लीगल एप्टीट्यूड के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगला है पर्सनैलिटी से आ गया, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इकोनॉमी जो है हमारी, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा साइंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, लीगल अवेयरनेस हो गया, लीगल ट्रेड अवेयरनेस हो गया, ज्योग्राफी वगैरह, कल्चर से, कल्चर में देखिए जैसे अभी रेशन की मामला बात करें तो क्लासिकल लैंग्वेज ऐड किया गया, क्लासिकल डांस होते हैं, ये सारी चीजें बेसिक चीजें यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये करंट अफेयर की पार्ट्स हैं जो कि कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएंगे और ये क्वेश्चंस जनरली देखने को मिलेगा। यानी जो टॉपिक कर अगर करंट अफेयर में बहुत चेंज किया गया डायनेमिक तरीके से, तो उसको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस देखने को आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लीगल एप्टीट्यूड, तो लीगल एप्टीट्यूड में देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं और यहाँ पे जो टॉपिक्स दिया गया है, ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत बड़े हैं कवर करना हो तो आपको यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए लॉ की, यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए लॉ का, ठीक है। वहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, वहां पे आपको इन डेप्थ नहीं जाना होगा। जैसे हम बात करें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, पूरे साल पढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको बेसिक चीजें पूछेगा कि क्या 18 साल का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं, पागल व्यक्ति कर सकता है कि नहीं, ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल जाएगा। जुआ खेलना क्या होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सट्टा लगाना क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया यहाँ पे, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे वहां पे, ठीक है। लीगल मैक्सिम्स हो गया, जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा वर्ड मीनिंग होता है, शब्द अर्थ होते हैं, वैसे लॉ के भी कुछ टर्म्स होते हैं जिसको यहाँ पे लीगल मैक्सिम्स के अंदर आप क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलता है। लीगल टर्म्स हो गया आपका, क्रिमिनल लॉ के बेसिक चीजें जैसे हो गया, अभी देखिए बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिला है भारतीय आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के अंदर, तो उनके बेसिक चीजों को पूछा जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया आपका, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, अब यहाँ पे पूरा मैरिज एक्ट नहीं पढ़ना है आपको, जैसे थोड़ी बहुत चीजें कि क्या सपिंडा रिलेशन क्या होता है हिंदू लॉ के अंदर, मुस्लिम लॉ में हिबा क्या होता है, ठीक है, वफ क्या होता है, ऐसी चीजें, ठीक है, फतवा जारी करना क्या हो जाता है, ट्रिपल तलाक क्या था, बेसिक सी चीजें, किस केस में ट्रिपल तलाक आ गया, तो यानी जो बेसिक चीजें होती है वही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये जो तीनों नए लॉ बनाए गए थे, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, ये तीनों लॉ के जो बेसिक चीजें हैं, मर्डर क्या होता है, रेप क्या होता है, ठीक है, डाउरी डेथ क्या होता है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें यहाँ पे पूछा जा सकता है और बहुत ही बेसिक सा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है इस बार जो ऐड किया गया था, यानी 2024 के अंदर पेपर पैटर्न की बात करें 2024 में, तो यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल फैक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लीगल प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन मतलब क्या होता है, फैक्ट पे क्वेश्चन था। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक लीगल प्रिंसिपल दे देगा, एक सिद्धांत दे देगा, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति का मतलब कि 5 साल का लड़का था वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर वो दे दिया यहाँ पे तो आपको वो बात सही मान के करना होगा, उसको सही करना होगा, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग क्लास के अंदर देखेंगे, पर आप ये समझिए कि वहां पे लीगल प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन भी इस बार देखने को मिले थे, ठीक है। अब देखिए ये आपका लॉ का सिलेबस रहने वाला है, इसमें आपको क्या करना है, बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पे कवर करना है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि इसकी देखिए पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ। अब पता चले आप लोग समझिएगा कि लीगल एप्टीट्यूड पहले कवर कर लें, अब इसमें इतने बड़ी बड़े जो टॉपिक्स दिए हैं आपको पूरा कवर नहीं करना है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको देख लेना है, बहुत ही बेसिक चीजों को आपको देख के जाना है, ठीक है। प्लस इसके साथ जो आपका
लीगल यानी लीगल फील्ड का लीगल करंट अफेयर जो होता है इसको भी कवर करना है, लीगल करंट अफेयर को भी आपको कवर करना है, जो कि हम लोग यूट्यूब पे भी कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लॉ के अंदर करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और वो क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं जो लॉ से रिलेटेड है। जैसे अभी सीजीआई का देखिए चेंज होने वाले हैं, 50वें के बाद 91वें सीजीआई बनने वाले हैं और 2025-26 के अंदर आपकी फर्स्ट सीजीआई भी बनने वाली है, तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है जो लॉ में करंट अफेयर में आता है वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका लॉ यानी लीगल एप्टीट्यूड का सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया गया यानी रीजनिंग में भी देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया और रीजनिंग और मैथ से भी 25 क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो उसमें टॉपिक्स देखिए कौन सा है, रैंकिंग टेस्ट हो गया आपका, लीनियर्स हो गया आपका, अरेंजमेंट्स हो गया आपका, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स हो गया आपका, सिक्वेंसिंग हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स हो गया आपके, क्लॉज एंड इफेक्ट्स हो गया, स्टेटमेंट्स अजम्पशंस हो गए आपके, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन हो गया आपका, नंबर सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, इन्फेरेंस हो गया आपका, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, एनालॉगी टेस्ट हो गया आपका, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गया आपके, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट हो गया आपका, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। तो ये आपका रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला, ये भी लिमिटेड ही है, आप इसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड या फिर इसको आप मैथ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये मैथ्स भी आप कह सकते हैं। इस मैथ्स के अंदर देखिए कौन कौन से टॉपिक देखने को मिला है, क्लॉक्स मिला है, कैलेंडर मिला है, ये आपके रीजनिंग में भी आते हैं, मैथ में भी आते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है क्लॉक और कैलेंडर, ये रीजनिंग और मैथ दोनों में देखने को मिलता है। एवरेज हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम ऑन एज, एज पे, नंबर पे, ट्रेन पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका, परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप्स एंड पिस्टन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, स्टॉक्स एंड शेयर हो गया, डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट्स हो गया आपका, ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट्स हो गया, स्टेट्स एंड यूनियन हो गया आपका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, मैट्रिक्स एंड एलिगेशन हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम सरफेस ऑफ एरिया। तो ये आपका मैथ का पूरा सिलेबस रहने वाला, जनरली यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा, अब कॉलेज के बारे में देख लेते हैं कि कॉलेज कौन कौन सा रहने वाला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर हमने पेपर पैटर्न देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसका डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। अब कॉलेज कौन कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, जिसमें आपको तीन कॉलेज देखने को मिलेगा। पहला है आपका मेन कैंपस, मेन कैंपस में आपको देखिए यहाँ पे 300 सीट देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो फीस लगने वाली है वो 6500 के आसपास, मतलब सॉरी 4600 के आसपास लगने वाली है। दूसरा जो आपका कॉलेज रहने वाला सीएमपी है, ठीक है, सीएमपी में भी 300 सीट देखने को मिलेगा और इसमें फीस जो आपकी लगने वाली है 5000 के आसपास लगभग फीस लगेगी। एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो गया तीसरा जो आपका कॉलेज रहने वाला है, इसमें 300 सीट इसमें भी है और यहाँ पे 5090 रुपए फीस लगने वाली है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहले जो सीट ये थी 2023 के अंदर, यहाँ पे प्रत्येक कैंपस के अंदर 375 सीटें थी। ठीक है, लेकिन अब जब 2024 में क्या हुआ, यहाँ पे जो सीट थी वो कम करके 300 कर दिया गया, यानी जो पहले सीट लगभग 1125 सीटें थी, अब वो टोटल जो सीट है वो 900 सीट हो गई है। यानी यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो 225 सीटों का क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ है। अब 225 सीटें कम हो गई हैं, कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मामला ये है कि आपका कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर अच्छे से और तैयारी करनी होगी। यहाँ पे देखिए तीनों कैंपस का मैंने आपको बता दिया कि क्या इसकी सीट है और कितनी फीस रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। उसके लिए एक सेफ स्कोर आपको पता होना चाहिए कि भाई जब इतनी सीट है तो हमें कितना लगभग स्कोर लाना होगा जिससे हमारा सिलेक्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर हो जाए, मेन कैंपस के अंदर, और एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाए। तो उसके लिए आपको टारगेट स्कोर एक लेके चलना है कि अगर आपका 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपको कितना स्कोर करना होगा। और जनरली उन बच्चों को भी जिनके बच्चों का गैप ईयर है उनको भी याद रखना होगा कि गैप ईयर अगर आपका है तो अगर 200 नंबर आप पा रहे हैं तो वो कितना काउंट किया जाएगा, 170 ही किया जाएगा। तो आपको उस हिसाब से मेहनत करना होगा कि आपका कट ऑफ पार हो जाए, एक सेफ स्कोर जो है उससे ज्यादा मार्क्स आपके आए। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे मेन कैंपस है पहला कॉलेज जो है, दूसरा कॉलेज सीएमपी है आपका, तीसरा एडीसी है। अब इसमें कैटेगरी वाइज हम एक सेफ स्कोर लेके आए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपका मार्क्स
190 से 166 के बीच में लगभग आ रहा है, 190 ही मान के चलेगा जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको ही लेके आपको चलना है कि अगर आपका इसके आसपास मार्क्स आ रहा है तो आप एक अच्छे सेफ स्कोर के अंदर हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर यानी 2024 का इस कट ऑफ के आसपास मैंने इसमें मार्क्स लिया है और यहां से वो मार्क्स स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट ईयर में दे रहे हैं तो यहां पे आपको जो यहां पे स्टार्ट हुआ है मैक्सिमम मार्क्स इसको ही मान के चलना है, ठीक है। सीएमपी में 184 नंबर तक, जनरल कैटेगरी के लिए 178 नंबर तक आपका एडीसी हो गया। नेक्स्ट अगर ओबीसी की बात करें तो 184 हो गया मेन कैंपस के लिए, 179 हो गया सीएमपी के लिए और 175 175 हो गया आपका एडीसी के लिए। अगला है आपका अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 172 नंबर हो गया, 150 नंबर भी आप मान सकते हैं यहाँ पे। सीएमपी के लिए 165 नंबर हो गया और अगर आप एडीसी की बात करें 155 नंबर तक यहाँ पे कट ऑफ जाएगा सेफ स्कोर का। एसटी की बात करें 160 हो गया यहाँ पे मेन कैंपस के लिए, 150 हो गया आपका सीएमपी के लिए और अलावा डिग्री कॉलेज के लिए 140 से लेकर लास्ट में सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। आगे हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस यानी 10% रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 186 प्लस की अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 186 के आसपास 180 के आसपास तो आपका मेन कैंपस में होने के चांसेस हैं। अगर आपका 180-181 के आसपास आ रहा है तो सीएमपी में और 170 या 76 के आसपास है तो आप अलाहाबाद डिग्री कॉलेज में अंदर आ जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्कोर लेके चलना है कि आपको इतना मॉक के अंदर यानी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आपका इतने के आसपास मार्क्स आना चाहिए। और अगर ये नहीं आ रहा तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर रिविजन करना होगा, फिर से सिलेबस देखना होगा, फिर से टॉपिक को रिविजन करना होगा। अब थोड़ा सा तैयारी के बारे में भी हम बता देते हैं क्योंकि आपने सब कुछ आपने देख लिया, ठीक है, हर एक चीज आपने देख लिया कि कैसे तैयारी करना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, हर एक चीज आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम तैयारी की बात करें कि अगर आपको वर्ष 2025 के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, अलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे सिलेबस पता चल गया, ठीक है। अब इस सिलेबस को आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं इस वीडियो के नीचे और हमारे ऐप पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग जो भी मैं अभी बताया हूं, जो ये सिलेबस का मैंने टॉपिक आपको बताया है कि आपका देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है, हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, आपका मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस करंट अफेयर का क्या रहने वाला है, ये सब कुछ मैंने वहां पे लिखा है और ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे। सिलेबस आपने देख लिया। पीवाईक्यू की बात करें, क्योंकि पीवाईक्यू का ऐसा है कि पीवाईक्यू मिलता नहीं है, ठीक है, क्या होता है मिलता नहीं है, लेकिन यहां पे मिल सकता है क्या, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको यहां पे क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे लास्ट थ्री इयर्स के, आपको यहां पे इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। डीएनएस ऐप पे भी आपको मिल जाएगा, उसके बारे में भी हम बता देंगे, क्योंकि पीवाईक्यू मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 200-400-500 बच्चे डीएनएस के भी थ्रू क्या करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देते हैं, अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन भी याद करता है टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं तो सारे क्वेश्चन लगभग हम लोग को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, अगर आपने देख लिया तो अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे पीवाईक्यू यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, एनालाइज करना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वेटेज क्या रहने वाला है, इसका डिटेल एनालाइज आपको करना होगा, एनालिसिस करना होगा। टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब जब टॉपिक वाइज आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इसके साथ साथ ही तुरंत रिविजन भी आपको करते रहना, ठीक है, रिविजन करते रहना और साथ ही साथ जो होगा रिलेटेड एमसीक्यू यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी में प्रीएम्बल पढ़ लिया, प्रस्तावना पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, तो जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आपको क्या करना है, उसका रिवीजन कर लेना और उस पर क्या करना है, मॉक टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस दे दीजिए जिसमें पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसका रिव्यू भी करना है, रिव्यू करने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं इसका रिव्यू भी करते रहना है, प्लस इसके बाद रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करके फुल मॉक टेस्ट भी देना है, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट अच्छे से देना होगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको करना होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रैंक लेके इस बार भी आया है और वहां पे सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल रहा, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ाते सबको है, ठीक है, पढ़ने को सब लोग पढ़ते हैं, डीएनएस में ही बहुत सारे बच्चों सिलेक्शन लिए अच्छे रैंक के साथ दिए और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गया, तो जब दोनों बच्चों का हम लोगों ने कंपैरिजन किया, डाटा देखा,
तो जो बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं उनमें एक चीज कॉमन, सब में ये चीज दिखाई दे रही है कि वो यहां पे क्या कर रहे हैं, वो रिवीजन में और एमसीक्यू प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो, ठीक है। हम उनको नहीं देखा मैंने कि उनका वॉच टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐप पे बहुत ज्यादा वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई भी उतना ही कर रहे हैं जितना नॉर्मल, जिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बच्चे और जिन बच्चों का अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, दोनों बच्चे लगभग पढ़ाई सेम कर रहे हैं, क्योंकि जो डाटा होता है वो हम लोग को ऐप पे मिल जाता है कि कौन बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है। तो जितने घंटे लगभग जो रैंक वाला बच्चा है उसने भी पढ़ाई करी, और उससे ज्यादा लगभग जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने भी, कुछ बच्चों ने पढ़ाई की थी। तो लैग कहां पे आया सिलेक्शन में, लैग कहां पे आया वो सबसे बड़ा आया है यहां पे रिवीजन में, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनसे भी हम लोगों ने मिले तो वो बताते हैं कि सर हम लोगों ने क्या किया था, रिवीजन किया, और जो एमसीक्यू था टॉपिक वाइज, पहले क्या होता टॉपिक वाइज होगा तो टॉपिक वाइज क्या होगा वो लोग अच्छे से करते गए, अब टॉपिक वाइज जैसे ही हुआ फिर वो रिवीजन करके क्या किए, फुल एंड मॉक टेस्ट दिए, और इसका भी क्या किया उन्होंने रिव्यू किया अच्छे से, और इसके बाद जो भी आपकी गलतियां थी उसको क्या किया, एक मिस्टेक कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक कॉपी बना लीजिए और इसमें आप लोग अपनी गलतियों को जरूर लिखिए, क्योंकि ये गलतियां आपको क्या करेंगी, आपको एग्जामिनेशन में गलत नहीं करना है, और फुल लेंथ टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर आपके एमसीक्यू टॉपिक वाइज में गलत हो रहे हैं आप उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, उसको भी रिवीजन आपको करके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जाना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखिए कि सिलेबस अगर आपने देख लिया है तो अब आपको क्या करना है, कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए, जो मिलता नहीं है अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप पे, आपको मिल जाएगा वहां पे, टॉपिक वाइज सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, उसका रिवीजन करना है, उसका एमसीक्यू साथ साथ में करते रहना है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि पहले पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लें फिर रिवीजन करेंगे फिर एमसीक्यू देंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। जिस दिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसको आप रिवीजन करिए, और उसके बाद उसका एमसीक्यू टेस्ट जरूर दीजिएगा, और एमसीक्यू टेस्ट देने के बाद आपको फिर से वापस देखना, जैसे कोई टॉपिक में 10 क्वेश्चन अगर पूछा गया है 8 क्वेश्चन सही हो गया तो 2 क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है वो भी आपको जरूर देखना है। तो ये चीजों को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, और ये मिस्टेक कॉपी तो जरूर बना लीजिएगा सिलेबस से पहले, ये आपके पास होनी चाहिए कि आपकी अगर गलतियों का हिसाब एक जगह रहेगा तो ये गलतियां आपका एग्जामिनेशन में नहीं होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि अगर आप प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से अलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, जो कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, अगर एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पर्टिकुलर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सेपरेट बैच चलाया जा रहा है, ठीक है, सेपरेट बैच जो कि सिर्फ अलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ही प्रिपरेशन करा रहा है, उसके पीवाईक्यूज को, वहां पे क्या उसका सिलेबस रहने वाला, पेपर पैटर्न, ये सारी चीजें उसके हिसाब से कराई जाएंगी, उसके एमसीक्यूज, उसके रिविजन्स, सब कुछ वहां पे कवर कराया जाएगा अलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी कोर्स के लिए। तो अलाहाबाद एलएलबी कोर्स में हमारी कुछ फीचर्स को देखिए, कंप्लीट सिलेबस पूरा ऑनलाइन क्लास कराया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगे यहाँ पे, क्लास का जो मीडियम होगा जो हम लोग पढ़ाएंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाने वाले हैं, यानी आपको किस भी भाषा से, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिश मीडियम के हैं तो क्या होगा आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एमबीक्यू मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां पे पूरे मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट, ये बहुत बच्चों का रैंक लेके आया, देखिए ये एकदम ब्रह्मास्त्र ही है, ठीक है, ये एक ब्रह्मास्त्र ही है क्योंकि रैंक वन भी लाया गया है, डीएनएस के बहुत सारे बच्चों ने टॉप 10 में भी आया और रैंक वन भी लाया गया है, ठीक है, डीएनएस के द्वारा लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हेल्पफुल ये रहने वाला चैप्टर वाइज टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपको, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो गया आपका, और मैंने बहुत सारी चीजों में देखा था, प्रमोशनल बातें नहीं है, कि डिफरेंट चैनल पे अलग अलग चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी थी, जो उनका टेलीग्राम आईडी था, वहां पे भी डीएनएस के टेस्ट सीरीज की बातें हो रही थी, कोर्स था उसकी बात हो रही थी कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं, और वो वही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लाते हैं जो पीवाईक्यू में आए होते हैं। क्लास के नोट्स और सिलेक्टेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जिसका प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस रहेगी, मेरी पूरी गाइडेंस रहने वाली है आपको यहाँ पे पूरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक, ठीक है। जो कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये 4 महीने के अंदर हम लोग आपको कोर्स कंप्लीट करा देंगे, लेकिन जो हमारा कोर्स रहेगा वो ऐसा नहीं है, आपका एग्जामिनेशन जब तक नहीं होता तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। कोर्स में जुड़ने के लिए हमारा ऐप का नाम याद रखिएगा, डीएनएस एजुकेटर ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कोर्स की फीस हमारी 1999 है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं आपको गुड न्यूज़ बता दूं, अगर आप डीएनएस 10 यूज करते हैं, यहाँ पे डीएनएस 10 अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 1799 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आप पूरी सिस्टमेटिक तरीके से अलाहाबाद जो कि एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है वहां पे एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी बहुत सारी सीरीज हम लोग यूट्यूब पे भी लेके आएंगे, तो यूट्यूब पे भी बने रहिए हमारे साथ, और इसका जो सिलेबस है ये आपको वहां पे फ्री कंटेंट में मिल जाएगा हमारे ऐप के अंदर भी। तो यहाँ पे आप सिलेबस भी जरूर रखिएगा, मिस्टेक कॉपी जरूर रखिएगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, बिकॉज यहाँ पे एज लिमिट भी नहीं है, सीट को भी कम किया गया है, प्रोफेशनल कोर्स भी है,
तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी चीजों के बीच में जो आपका कंपटीशन रहने वाला है वो बढ़ने वाला ही है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी और साथ ही साथ उन बच्चों को भी ज्यादा ध्यान देना होगा जिनका गैप ईयर है। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं अलग अलग सीरीज के अंदर जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाली, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच।